नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन शर्मा। ये तस्वीरें पानीपत के बस स्टैंड से आप इस वक्त देख रहे हैं। ये उन बसों का रूट यहां पर इस डिस्प्ले पर दिखाया जाता था, लेकिन आज सभी रूट जो है सब यहां पर नहीं है, क्योंकि आज भारत बंद की वजह से किसानों ने जो कॉल की थी, सभी रूट आज बंद रहेंगे। बसें पानीपत बस स्टैंड की बात करें तो करीब 150 बसें यहां से चलती हैं पानीपत डिपो से। सभी बस स्टैंड के पर ही सभी बसों को खड़ा किया गया है, क्योंकि जो भारत बंद की कॉल की गई थी उसी को मद्देनज़र रखते हुए पानीपत डिपो द्वारा, पानीपत प्रशासन द्वारा जो है बसों को सभी रूटों से आज बंद किया गया है, जिसकी वजह से जो है यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानीपत बस स्टैंड से इस वक्त आप ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पूरे हालात हम आपको यहाँ के दिखाएंगे कि किस तरीके से पानीपत बस अड्डे से लोग दिन भर यहाँ पर चहल पहल होती थी। यात्री एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य की तरफ जाते थे, लेकिन आज वो बस स्टैंड बिल्कुल सुनसान यहाँ पर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। भारत बंद का जो असर पूरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो एग्जिट गेट है वो बिल्कुल पूरी तरीके से बंद किया गया है, और पानीपत रोडवेज की जो बसें हैं वो बस स्टैंड के अंदर सारी खड़ी की गई हैं। कहीं किसी बस को रूट पर नहीं निकाला गया है, और जो एंट्री गेट है उस पर कर्मचारियों को बैठाया गया है। जो यात्री यहां पर आ रहे हैं, ये देखिए यात्री यहां पर बसों के लिए आ रहे हैं, लेकिन कोई बस उन्हें नहीं मिल रही है। भारी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। कहाँ जाना है? बिजनौर जाना है। कहाँ जाना? बिजनौर। बिजनौर का कुछ मिल नहीं रही है ट्रैफिक वगैरह? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। बसें नहीं चल रही हैं? नहीं। तो यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बसें आज बंद की गई हैं, कर्मचारियों को यहां पर तैनात किया गया है। फिलहाल तस्वीरें पानीपत बस स्टैंड के एंट्री गेट की हैं, और जो एग्जिट गेट है वहां पर ताला लगा दिया गया, पूरा गेट पूरी तरीके से बंद है। यात्री यहां पर आ रहे हैं, कर्मचारी उनको बता रहे हैं कि आज बसें नहीं चल रही हैं, आप कहीं और जाइए या शाम 4 बजे तक का वेट कीजिए, उसके बाद बसें हो सकता है चलाई जाएं, क्योंकि 4 बजे तक का कॉल किसानों ने किया है, और 4 बजे तक जो है पूरा भारत बंद का कॉल है, और उसका असर ये देखने को मिल रहा है कि यात्री बहुत परेशान यहां पर हो रहे हैं। बस स्टैंड पर सवारियों के लिए आ रहे हैं, लेकिन कोई बस उन्हें नहीं मिल रही है। निजी वाहन हालांकि इक्का दुक्का ज़रूर चल रहा है। रोडवेज की बसें बिल्कुल पूरी तरीके से बंद की गई। हालांकि अगर जीटी रोड की बात करें तो पहले से कम वाहन गुजर रहे हैं। शहर के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ ज़रूर जा रहे हैं, ऑटो चल रहे हैं, लेकिन ऑटो में भी सवारियां कुछ खास नहीं हैं। दूर दराज के लोग ज़रूर यहां पर फंस गए हैं, जो आए हुए थे, जिनको आज जाना था। कोई दिल्ली जाता है तो कोई यूपी में जाता है, तो भारी दिक्कतों का जो है यहाँ लोगों को सामना करना पड़ रहा है। क्या लग रहा है, कुछ असर देखने को मिल रहा है आपको? बहुत ज़्यादा असर मिल रहा है जी, मोदी खास करके बहुत ज़्यादा मिलेगा असर इस चीज़ का। सवारियाँ मिल रही है? सवारियाँ बिल्कुल नहीं मिल रही। कहाँ से आए अभी आप? हम इस टाइम सब्जी मंडी से आए हैं, और खाली आए थे, खाली ही जा रहे हैं। हाँ, तो भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। ऑटो जो है वो लगभग खाली यहाँ से होकर जा रहे हैं, कोई उनके सवारियाँ नहीं मिल रही। क्या कहेंगे? दिल्ली जाना है मेरे को। बसें तो नहीं चल रही आज? रेल? रेल भी बंद है। रेल भी बंद है, कहाँ से जाऊँगा? कहाँ से आया? मैं दिल्ली से आया हूँ। आज किसानों ने भारत बंद कर रखा है, आपको पता नहीं था? नहीं, मालूम नहीं। तो यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोई दिल्ली जा रहा है तो कोई यूपी जा रहा है, लेकिन बसें नहीं मिल रही हैं। बसों के लिए यहाँ पर बस स्टैंड पर आए थे, लेकिन बसें नहीं हैं। गाड़ी रेल मिलेगा? भारत बंद की कॉल की गई है, और ये कहा जा रहा है कि रेलें भी बंद की गई। ये क्या लॉकडाउन का है? क्या लॉकडाउन लगा है क्या? नहीं, ये किसानों ने आज भारत बंद करने की बात कही है। आप कहाँ जाएंगे? जी मैं तो चंडीगढ़ जाऊँगा। नहीं, कोई सवारी मिल नहीं रहा सर, बहुत परेशानी के सामना करना। क्या कह रहे हैं?
बातचीत की, बोला आज कुछ नहीं खोलेगा, जहाँ से आए हो वापस वहीं जाओ, अपने घर चला जाओ। कहाँ से आए आप? मैं तो ये पानीपत से चंडीगढ़ जाना था हमको। किस काम से जा रहे हो? जरूरी काम? जी जरूरी काम था। तो चंडीगढ़ इनको जाना था, काफी दिक्कतें इनको हो रही हैं, यात्रियों को बसें नहीं मिल रही हैं। एक और हमारे साथ उनसे भी बातचीत, कहाँ जा रहे हैं सर? जी मैं दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली? जी सर। बसें नहीं मिल रही हैं? ना नहीं मिल रही। क्या कह रहे हैं, कुछ बात हुई है? कह रहे हैं अभी नहीं, बाद में जाएंगे बसें। बाहर से जाओ, बाहर देखो अपने चक्कर। ऐसे बोल। वाहन भी कहाँ चल रहे हैं? हैं? निजी वाहन चल रहे हैं? निजी वाहन कहाँ चल रहे हैं? पैसे फालतू मांगते हैं क्या सर? फालतू मांग रहे हैं? हाँ जी। मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं? है ही ऐसा ही है, गवर्नमेंट ऐसे करते क्या करते हैं? भारत बंद था आपको पता नहीं था? नहीं नहीं पता है, मैं बोलते हैं अंदर से बाहर जाइए आप, बाहर से वाहन पकड़िए प्राइवेट, वो 250 मांगते हैं। कर्नल बैग कर सकते, 95 पर किराया है बस से। 250 रुपये मांग रहे हैं आपसे? 250 मांग रहे हैं। तो भारत बंद है लेकिन कुछ निजी वाहन चल रहे हैं जो 250 रुपये, 500 रुपये किराया वसूल रहे हैं, जिससे यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जो भारत बंद की कॉल किसानों द्वारा की गई थी, आज लगभग सभी बसें यहां पर बंद की गई हैं, कर्मचारियों को यहां पर तैनात किया गया। जानकारी हालांकि उनको दी जा रही है कि अभी बसें नहीं चलेंगी, शाम तक 4 बजे की कॉल है, लेकिन यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कहां जाएंगी माता जी? रोहतक जाना है। तो बस क्या हुई? बस तो बंद है आज। क्या हो? ये किसानों ने भारत बंद किया हुआ है। तो काफी दिक्कतें यहां पर जो है यात्रियों को करनी पड़ रही हैं, सहनी पड़ रही हैं, उनसे किराया वसूल किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। ये देखिए यात्री बस स्टैंड पर आ रहे हैं इस इंतज़ार में कि शायद उन्हें कोई यहाँ से सवारी मिल जाए। इनको पता नहीं था कि, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं जानकारी है कि आज बस स्टैंड से कोई बस नहीं जाएगी, लेकिन बस सारी यहाँ पर खड़ी हुई हैं। बहुत दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, यात्री सवारियाँ यहाँ पर आ रही हैं। बस अड्डे के पास नए बस अड्डे के हैं। नए बस अड्डे? हाँ। सेवा जाना? हाँ हाँ। तो नहीं मिल रहा कुछ? तो यात्रियों को कुछ भी सवारियां नहीं मिल रही हैं और जिनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो पानीपत बस स्टैंड से बाहर की ये तस्वीरें हैं। देखिए हरियाणा पुलिस की बस भी यहाँ पर तैनात की गई है ताकि किसी तरह की कोई स्थिति अगर खराब होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए जगह जगह पुलिस भी तैनात की गई है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही है वो यात्रियों को सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर यात्री बैठे हुए हैं, उनको कहीं दूर जाना, किसी को चंडीगढ़ जाना है, किसी को दिल्ली जाना है, तो भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालाँकि ऑटो शहर में चल रहे हैं, उनमें भी खासा असर देखने को मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि सवारियाँ नहीं मिल रही हैं और भारत बंद का असर है, कहीं कहीं रोड जाम है। चौटाला रोड को भी जानकारियां मिल रही हैं कि जाम के आगे आगे नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं ताकि उन्हें ये उम्मीद लग रही है कि ये कहीं कुछ सवारी मिल जाए और अपने गंतव्य तक पहुँचेंगे। कुछ और लोग हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करने पर। कहाँ जाएंगे? दिल्ली जाएँ। तो दिल्ली आज कैसे जाएंगे? आज कैसे, कोई गाड़ी नहीं मिल रही तो घर को लौट जाएंगे। और क्या, कहाँ से आए हैं? यहीं से आए हैं, नूरवाला से। हाँ जी। आपको पता नहीं था किसानों ने भारत बंद का कॉल कर रखा है? नहीं मेरे को नहीं पता था, मेरे पास मोबाइल भी नहीं है जो मोबाइल से देख सकूँ। मोबाइल भी नहीं? छोटा मोबाइल, इसमें कहाँ दिखेगा। तो बसें तो अब शाम तक नहीं चलेंगी, 4 बजे तक भारत बंद किसानों ने किया हुआ है। अच्छा जी, फिर कैसे जाएंगे? जरूरी काम से जा रहे थे। हाँ जरूरी था यहाँ काम में। देखिए कुछ लोगों को जानकारी भी नहीं है कि आज भारत बंद किसानों ने किया हुआ है और वो घरों से आ गए हैं दिल्ली के लिए, उनको जाना था, तो बहुत सारी दिक्कतें उनको आ रही हैं। असर पूरा भारत बंद का, जो किसानों ने अपनी 3 मांगों को लेकर, 3 कृषि कानूनों की मांगों को रद्द करने की मांगों को लेकर आज भारत बंद की कॉल की थी, उसका खासा असर पानीपत में जगह जगह देखने को मिल रहा है। जगह जगह किसानों ने रोड जाम के, राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करने की अपील की गई थी और उनको जाम कर भी दिया गया है किसानों द्वारा, जिससे आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए यात्री बहुत परेशान हो रहे हैं, ऑटो से पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। हालांकि लोकल ऑटो हैं,
किसी को दिल्ली जाना है, किसी को सोनीपत जाना है, किसी को गनौर जाना है। तो बेचारे एक आस के साथ वो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं लेकिन उन्हें कोई सवारी नहीं मिल पा रही है। भारत बंद की जो कॉल की गई थी किसानों द्वारा उसका असर पूरा देखने को मिल रहा है। पानीपत बस स्टैंड के बाहर की ये तस्वीरें इस वक्त हमें, जहां सैकड़ों यात्री यहां से बैठकर जाते हैं। लंबे वक्त से हम यहां खड़े हुए, कोई रोडवेज की बस नहीं है। निजी वाहन की बात करें तो ऑटो शहर में ज़रूर चल रहे हैं और कुछ और निजी वाहन जो लंबे रूट पर चल रहे हैं वो बता रहे हैं कि किराया बहुत ज़्यादा वसूल कर रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लेकिन हम आपको तमाम जानकारी देते हैं। अगर आप भी कहीं जा रहे हैं तो या तो वेट कर लीजिए या अपना जो जाने का प्रोग्राम है उसमें थोड़ा बदलाव कर लीजिए, क्योंकि पानीपत रोडवेज की बसें हैं पानीपत बस अड्डे से नहीं जा रही हैं। 4 बजे तक शायद ये बसों के पहिए रुके रहेंगे। किसानों ने भारत बंद की कॉल की है और जो लगभग सफल भी दिखाई दे रही है, क्योंकि 2-4 स्पॉट पे हम भी गए हैं, वहाँ पर पूरी तरीके से किसान बैठ गए हैं। रेल रोकने का भी जो है आह्वान किया गया है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि उस पर किस तरह का असर देखने को मिल रहा है। लेकिन पानीपत बस स्टैंड की अगर बात करें तो यहाँ पर पूरा असर देखने को मिल रहा है। रोडवेज विभाग द्वारा पूरे डिपो को ही आज बोल दिया गया है, डिपो प्रशासन को बोल GM ने यहाँ पर आदेश दिए हैं, सरकार द्वारा हो सकता है आदेश आए होंगे कि आज बसें नहीं चलेंगी। और उसी का ये असर है जो आज किसानों ने भारत बंद की कॉल की थी कि सभी रोडवेज की बसों के पहिए आज रोक दिए गए हैं, थाम दिए गए हैं। और सभी बसें जो है हम आपको बता दें कि बस स्टैंड के अंदर ही खड़ी हुई हैं, किसी बस को बाहर नहीं। हालांकि सुबह सुबह जो है कुछ बसें ज़रूर निकाली गई थी लेकिन जब विरोध प्रदर्शन और जो धरने प्रदर्शन देखने को मिले किसानों के, तो उसके बाद बसों के सभी बसों के पहिए रोक दिए गए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हम आपको बता दें कि आज 27 सितंबर को किसानों द्वारा भारत बंद की कॉल की गई थी और जगह जगह पर किसानों ने जो भारत बंद की कॉल की थी उसका असर भी देखने को मिल रहा है। इस राणा की बात करें, मतलोडा की बात करें या पूरे पानीपत शहर की बात करें, पापोली खंड की बात करें, तो हर जगह किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं और शहर और बाज़ारों को बंद करवाने के लिए रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। एक दिन पहले भी उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारा सहयोग कीजिए। भारत बंद की एक दिन की कॉल है, सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक की कॉल की गई है।